इमरजेंसी में बहुत भीड़ होती है, रात को तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। टोटल अराउंड 36-40 आवर्स की ड्यूटी हो जाती है बैक टू बैक। सो इट्स 8:30 AM, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 9 AM पे अगेन राउंड हो जाएगा कंसल्टेंट का। फटाफट आया है हाफ एन आवर फ्रेशन अप। हाफ एन आवर और लेट इसलिए हो गया था क्योंकि एंड में इमरजेंसी के एंड में एक ट्रिपली बाइक में एक्सीडेंट करके लोग आ गए। Good morning everyone. So today is my seminar and I have to present. So abhi it's around 7:45 that I'm studying for my seminar, like I'm revising it. Ban to gaya hi hai with the breakfast sprouts kha rahi hu main. To revise karte hai chalo. So guys, good morning. Ab se meri unit change ho chuki hai. तो टुडे इज नॉट गोइंग टू बी द यूजुअल राउंड एंड बर्न यूनिट एंड वार्ड नंबर टू। मेरी दूसरी यूनिट लग गई है एंड आज का दिन मेरा स्टार्ट होना है ओटी से, फिर रात भर इमरजेंसी एंड कल का वीडियो बहुत हेक्टिक है। सो ये व्लॉग बहुत हेक्टिक एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, सो कम ऑन विद मी। सो अब मैं निकल गई हूँ, तैयार हो गई हूँ गोइंग फॉर द डिपार्टमेंट ड्यूटीज एंड उसके बाद सेमिनार। मैं ऑनेस्टली काफ़ी लेट हो गई हूँ, मेरे को जिस टाइम पे वहाँ पहुँचना चाहिए उस टाइम पे मैं निकल रही हूँ आज। बिकॉज आई जस्ट डिडंट रियलाइज व्हाई आई वाज स्टार्टिंग की टाइम हो गया है, तब जल्दी से भागना पड़ रहा है। सो द फर्स्ट केस व्हिच वी हैव इज लैब कोली, तो बस उसको शिफ्ट कराने जा रहे हैं। हियर द एनेस्थीसिया टीम इज प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर द सर्जरी। So the operation has started and we managed to finish this laparoscopic cholecystectomy in just 12 minutes. बहुत ज़्यादा भर गया मैं, ये नया नया सब निकला है, छोटा छोटा ये सब निकला है। सर पे जो तेल दिए थे लगाने के लिए उससे दाग खत्म हो गया, लेकिन खुजली बहुत ज़्यादा है, उसमें खुजली बहुत ज़्यादा है। दाग नहीं है मैडम, एक भी नहीं, एक भी नहीं, पहले ऊपर ऊपर ही था। हम दोनों ब्रेक के लिए आए हैं रूम यहाँ पे। कैसा था मेरा सेमिनार? अच्छा था। सो रही थी सेमिनार में हट पति ने मेरे पूरे सेमिनार में फोन नहीं चलाया, मैंने ये ऑब्जर्व किया। वेरी गुड, क्योंकि मेरा हेडेक हो रहा था आज। मुझे लगा मेरा इतना इंग्रॉसिंग सेमिनार है इसलिए नहीं उठाया तूने फोन। नहीं, सो आफ्टर कम्प्लीटिंग ऑल द केसेस एंड राउंड, बीच में आई कुडंट व्लॉग, राउंड वाउंड बहुत हेक्टिक होता है ना, आज काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स भी थे, तो राउंड में अराउंड 1.5-2 घंटा लगता है। एंड अगेन इट्स स्कॉचिंग हीट, इतनी गर्मी वापस आ गई है, ओ गॉड हाउ आई मिस विंटर्स, बहुत गर्मी हो रही है। सो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, इतनी भूख लग रही मेरे को, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया था क्योंकि डॉट सुबह सुबह निकल लिया था आज राउंड के लिए 7:30 पे, तो मैंने KFC से ऑर्डर किया है, माय फेवरेट, इसीलिए पेट बाहर आ रहा है। क्या फिर 8 बजे से मेरी इमरजेंसी है, 8 to 8, रात के 8 से फिर कल सुबह 8 बजे तक, और बीच में केस भी लगना है। सो इट्स गोइंग टू बी हेल ऑफ अ डे। Finally break over and patients are waiting for us to open those gates for the diagnosis all over again. So usually end में मैं leprosy diagnose करती हूँ क्योंकि that requires a lot of time to diagnose because there are a lot of steps to diagnose. तो इसलिए I will start with leprosy diagnosing part now. It's already probably around 1 o'clock. तो patients इतने कि I don't think so already आज भी 2 बजे ख़त्म होगी, लंबी चलेगी। बट एंड आफ्टर दैट वी यू ऑल नो दैट आई गो फॉर ओटी, और आज मेरा ओटी का डे भी है, सो चलो चलेंगे फिर। सो आफ्टर हैविंग माय लंच एंड ऑल आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर, क्योंकि रात में फिर बहुत हेक्टिक है मेरा, इमरजेंसी में बहुत भीड़ होती है, रात को तो पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, तो अभी पढ़ लेता हूँ। जिस दिन इमरजेंसी होती है दैट डेज आर एक्चुअली वेरी हेक्टिक, स्पेशली अगर आप मतलब बीच में रेस्ट वेस्ट ना लो, बट अब एक ही साल बचा है मेरे भी MS फिनिश करने का, तो स्टडीज एंड ऑल तो कंटिन्यू रखनी ही है। अभी मैंने एक पेशेंट के ब्लैक पी लगाया है, बाकी पिकिंग अप माय एप्रन एंड गोइंग।
Now after the OPD, we have come here for the reference in Obs and Gynae ward. So now that I'm back from my hospital, and now I'll just show you one thing about this part. Can you see the acne? Very recently I've started developing this acne, and I feel it's because of the changed environment and increase in sweating, which is in turn just clogging my pores and accumulating the dead cells, and so I have this acne. So for this I am using this new product by Dermaco, which is the 2% BHA exfoliant solution for clogged pores and acne. So I think this is an amazing product. First of all, it is fragrance free, and second, it is having BHA, which is salicylic acid, which exfoliates your skin and just removes all the dead skin, thus giving you a very clear skin and also removing the acne. So all you have to do is take this solution in your hand and apply it on your face, neck and other affected areas. Use daily, especially at night, for the best results. Today I'm using this AHA BHA cleanser concentrate. All I have to do is just use this face wash in a generous amount and then wash my face and pat dry. Also, not to forget, if you are using these products, do not forget to apply sunscreen after it. And so what are you waiting for? Start your journey to a very healthy skin by ordering these products on the official website, that is www.thedermaco.com, and do not forget to use the code DR2022 to avail 20% discount on the Dermaco products. Product is also available on Amazon and Flipkart. All the links are mentioned in the description box below. Shank tabhi itna busy hai, OT and all. Uska new jo wo bana hai unit, उसमें तो भाई उसकी बिल्कुल ही टाइम बिल्कुल ऐसे चला जाता है, पता ही नहीं चलता. सो मैं आई हूँ यहाँ पे श्वांग का एक कुर्ता पजामा लेना, बिकॉज वी हैव अ डांस परफॉर्मेंस, मतलब काइंड ऑफ आई एम ए मीट फॉर होली. तो उसके लिए आई एम गोइंग टू बाई हिज कुर्ता, एंड फॉर दैट ब्लॉग यू हैव टू स्टे ट्यून्ड ऑन आवर न्यू चैनल, दैट इज श्वांग एंड कनिका. उसमें प्रॉपर ब्लॉग डालेंगे एंड हमारे डांस वीडियो भी, एंड आई नो दैट यू वॉन्ट लाइक टू मिस इट एट ऑल. टिल देन मैं कोकोनट वाटर एंजॉय करती हूँ वादू पे यहाँ. Guys, it's 8 p.m. and I've come back to the hospital. Beech mein I had to go to ward once. Baki now I'll be taking quick rounds. Teen wards hote hain isme. Post-operative ward, ward number 8, ward number 4. Teeno mein mere patients hain isme. To pata, this is the post-operative ward. Isme jo patients abhi normal ward mein shift hone like nahi hue hain, us condition mein nahi hue, unko rakhte hain. Basically, we check the drain outputs during the ward time. कितना सुबह से इतने आया ना, खाली किया उसके बाद एक बार भी? हाँ. कब खाली किया? दोपहर के बाद का. दोपहर के बाद का. अच्छा. टू कंप्लीट दिस मच फाइल वर्क, इस वार्ड में अभी रिसेंटली पोस्ट ऑफ पेशेंट्स इतने सारे हैं बिकॉज ऑफ टेंशन न्यूमोथोरैक्स की वजह से, एक परमानेंट आईसीयू ट्यूब डालनी पड़ी, साथ में पायोथोरैक्स भी था. सो शिवांग तो अपनी ड्यूटी के लिए निकल गया है, बाकी मुझे सीएमई के लिए जाना है. तो आई एम ऑन माय वे फॉर सीएमई, मतलब माय को बैचमेट अरुण इज वेटिंग आउटसाइड विद द कार. तो अरुण आ चुका है जिसको हम ड्राइविंग और हम सीएमई के लिए जा रहे हैं बहुत दिनों के बाद अरुण के साथ. अब हम ऊर्जा को पिक करने जा रहे हैं, देखते हैं ऊर्जा में कितना वेट करवाएगी. और सो एक वार्ड में राउंड हो गया है, तो मैं फटाफट दूसरे वार्ड में राउंड ले लूंगा, उसके बाद आई हैव टू गो टू माय इमरजेंसी. सो वो अराउंड 8:30 पे मैं आई रीच माय इमरजेंसी, फिर वो 12 आवर्स का शिफ्ट है, तो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड टोटल अराउंड 36-40 आवर्स की ड्यूटी हो जाती है बैक टू बैक, क्योंकि आज सुबह से स्टार्ट हुआ है, फिर कल फिर कोई ब्रेक नहीं होगा. मॉर्निंग 8 बजे खत्म होगी, उसका तुरंत हैव टू गो एंड टेक द मॉर्निंग राउंड, फिर कंसल्टेंट्स आ जाएंगे कंसल्टेंट का राउंड, फिर अगर कोई आज रात तो ओटी भर्ती हो जाती है इन केस आई मीन कोई इमरजेंसी केस आ जाता है लाइक परफोरेशन ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसका ओटी भी कल ही लग जाएगा. सो इमरजेंसी डेज आर लाइक दिस. आई हैव कम टू, वैकेंसी काफ़ी भरा हुआ है एंड अब हमारे जूनियर्स भी आ गए हैं, तो कंपैरेटिवली हल्का लाइट हो गया है. आई विल सून इंट्रोड्यूस यू ऑल टू माय जूनियर्स. हम यहाँ इमरजेंसी बैठते हैं, पहले जो भी इमरजेंसी होती है मैनेज कर लेते हैं, उनकी फाइलें फाइल वर्क कंप्लीट कर लिया, जिनको भर्ती करना है, जिनको रिफर करना है, जिनको घर भेजना है, एंड साथ साथ बुक खुली रहती है. हाय वेलकम टू माय व्लॉग. दोनों शर्माते हुए
So finally I'm back from the CME and weather actually में अब गर्म हो चुका है तो fan भी on है तो अब मैं बस अपना face wash करूँगी Shivang is in his emergency it's right now let me check the time so yeah it's right now 12:06 to be precise and Shivang बेचारा emergency में है and मैं पढ़ूँगी and थोड़ी देर बाद मैं सो जाऊँगी let's see Shivang बीच में आता है नहीं आता till the time I'm awake So it's 12:45 and मैं डिनर करने आया बहुत भूख लग रही है यार मतलब लिटरली लंच खाया तो उसके साथ कुछ भी नहीं खाया लग ही रहा था Shivang आएगा और लंच में भूख इतनी ज्यादा लग रही है और मैं डिनर में भी KFC का जो बचा था वो खाने जा रहा हूँ क्योंकि अभी 12:45 है इसके बाद फिर सुबह 8 बजे तक चलना है एज आई टोल्ड यू कल मेरा एकदम ब्रेक नहीं फिर 8 बजे फिर ड्यूटी पे लग जाना है तो आई थिंक अब सीधा कल रात को ही सो पाऊंगा तो खाना तो बहुत जरूरी है अच्छा खाना मिल जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 3 दिन उठा लो और ये भी पढ़ रही थी यहाँ बैठे बैठे अकेले चलो चलो आधे घंटे का ब्रेक है बहुत भीड़ है इमरजेंसी में इसीलिए ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं कर पाया कोल्ड ड्रिंक चिकन एंड मोर चिकन डिनर टाइम ओवर बाय सो टाइम टू गो बैक मैंने इतना बड़ा पैकेज चिप्स लिया सबके लिए अभी तेरे जूनियर्स भी हैं तो खाएंगे सो इट्स ऑलमोस्ट 2 AM हमारे जूनियर्स भी आ चुके हैं हेलो अंडो कैसा लग रहा है यहाँ पे काम करके लगी हुई अभी थोड़ी इमरजेंसी हल्की हुई है तो ब्लॉग कर रहा हूँ वो अभी तक काम करने पे लगा हुआ है बेचारा दिस इज इट 3 AM एंड यू कैन सी अभी भी काफ़ी रश है इमरजेंसी में 3-4 पेशेंट्स और सेटल करने हैं उसके बाद अगर पेशेंट्स नहीं आएंगे तो वील आधा घंटा आँख बंद कर लेंगे बैठे बैठे बट हेड इंजरीज बहुत आती है यहाँ पे सबसे लाइक पोस्ट ट्रोमेटिक ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केसेस बहुत होते हैं एमरजेंसी इज मेनली फुल ऑफ हेड इंजरीज बाकी एब्डोमिनल केसेस तो है ही अपने परफोरेशन ऑब्स्ट्रक्शन सबके 6:30 इन द मॉर्निंग एंड इनका भी शिफ्ट चेंज हो गया दूसरे जूनियर्स आ गए हैं यहाँ जयावन की शिफ्ट ड्यूटी होती है हम लोग की यूनिट वाइज टाइम नाउ सो इट्स 8:30 AM अब मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि 9 AM पे अगेन राउंड हो जाएगा कंसल्टेंट का फटाफट आया है हाफ एन आवर टू फ्रेशन अप हाफ एन आवर और लेट इसलिए हो गया था क्योंकि एंड में इमरजेंसी के एंड में एक ट्रिपली बाइक में एक्सीडेंट करके लोग आ गए यार अब सब मैक्सिमम लोग ऐसे आते हैं जिनकी खुद की फॉल्ट होती है अब ट्रिपली करके बाइक चलाएंगे एंड आई एम श्योर रफ चलाएंगे तो फिर एक्सीडेंट ऑल तो हो गई खैर None of them were hurt very seriously. So conservative management and admission. Guys, good morning again. So बस वापस जा रहा हूँ राउंड एंड ऑल के लिए इतना ही रेस्ट मिलता है यार दैट इज़ वाई ऐसे इमरजेंसी डेज आर हेक्टिक तो अभी हम लोग का राउंड होगा एंड एक OT लगनी है उसके बाद फिर मुझे फ्री टाइम मिलेगा 3-4 घंटा अभी आई कुड स्लीप फॉर हाफ एन आवर नॉट इनफ बट ठीक है इतना सो इट्स 2 PM एंड अब जाके ऑलमोस्ट सारे राउंड खत्म हुए हैं अब राउंड के बाद जो छोटा मोटा काम बचता है वो कंप्लीट करना होगा मेरे को जब राउंड फिनिश होता है तो कंसल्टेंट 3-4 चीज़ें बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है और एक्स्ट्रा ऑर्डर रिवाइज होता है द केस इज ओवर जूनियर्स भी आए गए इसका 4 बजे तक ड्यूटी है अभी टेकन राउंड ऑफ बोथ द वार्ड्स नाउ आई बी गोइंग टू द डिपार्टमेंट एंड नाउ टीचर को रिपोर्ट करके उनके साथ राउंड होगा 3 PM एंड आई हैव कम बैक टू माई रूम बट एक घंटे का ही ब्रेक है क्योंकि एक OT लगनी है अभी वो करने जाना है सो मैं लंच करने के लिए बेसिकली आ गया हूँ लंच एंड साथ पढ़ाई हो जाएगी कल मेरा एक टॉपिक था वो फिनिश नहीं हो पाया था इतना बचा है सो इसको फिनिश करके थोड़ी देर रेस्ट उसके बाद OT इवनिंग राउंड फिर फाइनली आज का शिफ्ट ओवर आज अच्छी स्लीप मिलेगी देन अगेन मॉर्निंग से कल से ड्यूटी बैक टू नॉर्मल 8 o'clock से सो वाइल आई वॉज स्टडिंग मेरे पास वार्ड से कॉल आ गया है वन ऑफ अ पेशेंट्स इज इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड एक्सरे में प्लूरल इफ्यूजन टाइप का आया है सो प्लूरल टैप करने जा रहे हैं प्लूरल टैप करने से फ़ायदा होगा आई रिमूव सम ऑफ द फ्लूड सो उसकी वजह से उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से ईज मिलेगा सो हियर यू कैन सी द प्लूरल फ्लूड इज बीइंग टैप्ड यूजिंग अ 50 ml सिरिंज टैप्ड अराउंड 600 ml ऑफ फ्लूड अब कैसा ठीक लग रहा है बाबा बेहतर चलो गुड सो टैपिंग का ये एडवांटेज होता है कि इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है
अब थोड़ा सा कल्चर भेजेंगे, थोड़ा सा सेंसिटिविटी के लिए भेजेंगे, एंड एक रिपीट एक्सरे होगा देखने के लिए वेदर वी हैव टैप्ड ऑल द फ्लूड करेक्टली और नॉट। एक केस और है, उसका एक्सरे का वेट कर रहा हूँ। अगर उसका एक्सरे में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो प्रॉब्ली आज मेरी एक ओटी और लगेगी। हेक्टिक है, हेल ऑफ अ डे, पर ठीक है यार, ओटी तो अच्छा लगता है करने में। बट अगर एक्सरे नॉर्मल हुआ तब फिर कुछ नहीं होना उसका। नाउ आई एम बैक टू माय रूम अगेन। ओह गॉड, बहुत थक गया यार, लिटरली बहुत दिन कनेक्ट आल्सो हियर। बिचारा, क्या बिचारा, कितना काम कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है यहाँ पे, आई लव दिस बोल रहा है। अभी 2 मिनट पहले क्लिप कर रहा था, यार मेरी इमरजेंसी लग जाएगी, ऐसे तो काम तो जाता है ही, बट ठीक है, अच्छा तो लगता है। ओटी लग जाएगी तब फिर अच्छा लगेगा, आज ओटी करने में तो मजा आता है। बाकी चलो आज सीधा रात को सोएंगे। कनिका को तो बस जाना है आज घूमने, पार्टी करने हैं, रात को मैं जा रही पार्टी करने। आई कुड स्लीप फॉर 2-2.5 hours फाइनली। 2 घंटे की नींद कितना अच्छा लग रहा है। एंड दोबारा मैं बोर्ड आ गया राउंड लेने के लिए, क्विक राउंड लेना है, रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन उसके बाद आज मेरी कोटी लगनी है, उसका फाइनल सब रिपोर्ट्स आ गए। तो जो ऑब्स्ट्रक्शन वाला पेशेंट है उसका लगना है ऑपरेशन, आई थिंक 11 बजे लगेगा रात में, 1-1.5 बजे तक चलेगा। सो इट्स 11:30 PM एंड कॉल आ गया कि मेरा केस शिफ्ट हो रहा है। सो काफ़ी लेट शिफ्ट हुआ केस, मैं डिनर ही खा रहा था, भाग के आना पड़ा। एंड लंबी सर्जरी है 2-3 घंटे की, सो आई गेस 2-3 बज जाएगा आज भी फ्री होते होते। बहुत लंबा हो गया ये कल रात से अभी तक का, बट ठीक है, आई थिंक इंटरेस्टिंग केस है, मज़ा आएगा इसको करने में। सो नाउ आई एम गोइंग टू ओटी। एमरजेंसी ओटी अलग होती है हमारी इलेक्टिव ओटी से, तो ये सब केसेस, परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब इमरजेंसी ओटी में शिफ्ट होते हैं।